वेलकम दोस्तों, आपका एम टेक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको एम क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे, जो कि झारखंड इंटर सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं के बारे में बताएंगे, जो कि इस साल 2019 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 फरवरी को स्टार्ट हुआ था वो, तो उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको बताएंगे। तथा इस वीडियो में आपको पूरा तरह दिखाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो में चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब चलते हैं वीडियो की ओर। आप देख सकते हैं जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, आपको यहाँ जाएगा, फुल मार्क रहेगा 100, उसके पास मार्क रहेगा 33 और टाइम रहेगा 3 घंटे। इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो 14 रहेगा, टोटल क्वेश्चन 14। ये हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर है जिसमें से आपको फर्स्ट में यही पूछा जाता है। इसमें 20 अंक का क्वेश्चन रहता है उत्तर, इसमें आपको यहाँ से स्टार्ट है पर यहाँ इसमें से चुन के लिखना पड़ेगा, पर यहाँ उसका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इस साइड है जो आपको मैंने उस साइड में दिखाया वो, और ये 3 साइड मिला के आपको इस 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिनमें से आपको 3 3 नंबर मिलकर 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपको इसमें 15 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरा नंबर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है, आप इस प्रकार का आप देखिए, इसमें भी कुछ दिया हुआ है। इसमें आपको देखिए कितना 2 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से आपको इंग्लिश में से आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें से 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, लेकिन इन्हीं के अंदर में से आपको 2 नंबर का क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ 4 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं तो आपको नंबर इसमें मिलेगा 5 नंबर मिलेगा, जो कि प्रत्येक में 1 अंक का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। अगर आप किसी मेरे पहली देश विदेश यात्रा या इनमें से आप किसी में से भी लिखते हैं तो आपको मिलता है यहाँ 10 नंबर का आपका यहाँ मिल जाता है। उसके बाद आप 4 नंबर पर देखिए, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नंबर का अगर इसमें भी कुछ पर अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ये क्वेश्चन अधिक है कि यानी कि कठिन है, तो आप उनके बदले या अथवा वाला जो भी है, सभी का जितना भी अथवा वाला है सभी को आप लिख सकते हैं। 5 नंबर भी कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ये नहीं आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरे वाला भी बना सकते हैं जो कि अथवा वाला में। तो चलिए फिर दूसरा पेस्ट की ओर चलते हैं। तो जैसे दूसरा पेस्ट में हम पहुंच चुके हैं, देखिए कि यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिदिन प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। यहाँ प्रतिवेदन के लिए बोल रहा है, देखिए वहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में, उसके लिए आपको 5 अंक का रहेगा। उनके मुंह में भी उसका नीचे में भी पानी की कमी की ध्यान रखने से यहाँ भी देखिए आपको यहाँ अथवा में मिल चुका है, जो कि 5 नंबर भी। इसमें 7 नंबर में जो है आपको 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा, जिसमें आपके 2 अंक 2 नंबर जो 2 लाइन जो लिखा हुआ है उनके बारे में समझना है और उन्हीं के बारे में अच्छे से लिखना है। उनके बाद 8 नंबर में भी दिया है, इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको इसका क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, दीजिएगा उनमें 2-2 नंबर करके आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर पर देखिए, धीरे धीरे ये सब कुछ कविता है, इसमें से आपको भी इनमें से आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है इन्हीं में से अगर 2 लिख सकते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए इनमें से आपको 2 क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि इसने दिया है क्वा नंबर का आंसर दिया है, जिनमें से उनको 6 नंबर मिलने वाला है, लेकिन उनमें से आपको जो सही है उन्हीं को चुन के आप डालिएगा, ताकि वो किसी प्रकार की गलती ना हो, और सही से आपको हैंड राइटिंग बना के थोड़ा लिखिएगा तो आपको नंबर तो अगर 6 भी नहीं देता है तो कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा करके मिल ही जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, उसके गौ नंबर भी वहाँ था, जो कि आपको उन्हीं में से 2 ही लिखना था पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद 10 नंबर पर आप पहुँच जाते हैं, उसमें भी कुछ 8 नंबर का दिया हुआ है, उसका मुहा पीला था, आँखों सफ़ेद थी, दृष्टिभूमि से उठी थी, प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वहाँ उत्तर दे रहा था, धर्म के दासा लक्षण वहाँ सुना गया। इनमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वो अगर नहीं सकते हैं तो अथवा वाला ये भी दिया है, इनका अगर क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका 8 अंक का रहता है, 8 अंक तो आपको मिल भी करेगा। जैसे निम्नलिखित में से यहाँ भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं 4-5, इनमें से भी आपको 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 3 नंबर करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब दिया, जिसने इसको जो अच्छा लगा है गवा नंबर दिया है और गवा नंबर, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे पृष्ठ की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ 12 नंबर में भी वहाँ पूछा है, कवि देर केंद्रनाथ सिंह, उसमें भी लिख सकते हैं, उसमें भी अथवा और भी क्या नाम भी है उनमें भी से आप लिख सकते हैं, जिनमें से आपको 6 अंक का मिल जाएगा।
इसके बाद 13 नंबर का देखिए, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन दिया है, जिनमें से आपको तीन क्वेश्चनों को लिखना पड़ेगा। यहाँ जैसे तीन तीन करके तीन क्वेश्चन का आपको 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, तो आप अच्छे से इनमें से चुन चुन के लिखिएगा, आपको 9 नंबर भी तो नहीं तो होगा, 8 या 7 तो ज़रूर मिलवे करेगा। इनमें से देखिए आप लोग, इसमें भी 14 नंबर का दिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये संदर्भ लेखक की प्रकृति के मान समानता स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप ये नहीं लगता है तो आपको ये उसके बाद लोगों ने लिखा है, ये लिखा है जैसे पहाड़े में जीवन अत्यंत कठिन होता है, इनके बारे में आप लिख देंगे तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप 2019 का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम इंटर का झारखंड बोर्ड का इसी तरह कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इस क्वेश्चन को देख कर पता लगा सकते हैं कि अगला साल जो क्वेश्चन आने वाला है किस टाइप का आ सकता है। तब इसी तरह से आप अगले सालों की पूरी तरह से अच्छी जो 2020 में आने वाला एग्ज़ाम है उसमें से आप पूरा अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट का और भी 2-3 सब्जेक्ट है जिनमें हम भी सभी का वीडियो अपलोड कर देंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर किसी तरह का वीडियो डालते रहता हूँ, हर चीज़ का आपको मालूम होते रहेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की ओर। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।